Okay, so in this video we will see some more operations. First we will see the boolean function. The boolean function will return true or false. In case agar inme se koi bhi case hai, false hai, none hai, zero hai ya fir double quotes hai, these any parentheses, agar inme se koi bhi parentheses hum pass karte hain as a parameter is function mein boolean mein, to ye false return karega, right? Jaise for example hum yahan par print command देकर इनको चेक कर सकते हैं, राइट? ओके, हियर इज द प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स रन दिस अगेन. सो सी, इसके लिए हमने ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कराई है और इसमें इस केस में फॉल्स है, ठीक है? तो इनमें से हम किसी भी वैल्यू को अगर हम प्रिंट कमांड पर देंगे then it is going to return false, right? अब इन वैल्यू के अलावा अगर हम कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट बुल ऑफ एनी स्ट्रिंग, तो इस केस में जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा. ओके, तो ये थर्ड केस क्या है, ये वाला. इसके अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी वेरिएबल पास करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के एक्स जो है वो एक स्ट्रिंग है, हेलो, और इसको अगर हम यहाँ पर चेक करें, अब हम वेरिएबल पास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इस केस में भी ये ट्रू होगा, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू दें या फिर कोई भी ऐसा वैल्यू दे या डायरेक्ट कोई भी नंबर दे, तो वो भी क्या होगा, ट्रू होगा. बट ये जो बाकी के ऊपर केसेस है जो अभी हमने लिए, ये सभी क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमारा एक और फंक्शन रह गया था, फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 4, राइट? तो अब अगर हमें यहाँ पर प्रिंट करना हो कि एक्स एंड हम यहाँ पर 2 एस्टेरिक साइन यूज करेंगे एंड देन वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल जो है होगा और x की वैल्यू 2 है, ठीक है? 2 रेज टू पावर 5 कह सकते हैं या फिर 2 का एक्सपोनेंशियल 5, ठीक है? यहाँ पर अब इसको देखते हैं ये क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है? 16. यहाँ पर इसका मतलब एक्चुअल में क्या है कि 2 जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स, राइट? ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, राइट? 2 जो है 5 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई होगा, जो कि एक्चुअल में क्या होता है 2 रेज टू पावर, सॉरी यहाँ पर 4 टाइम्स होगा, 1 2 3 4, राइट? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 4, ठीक है? तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज कर सकते हैं पाइथन में. ओके,